टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 में आज से भारत के सुपर 8 के मुकाबले आरंभ हो रहे हैं। भारत को सुपर 8 में 3 मुकाबले खेलने हैं। अगर भारत की टीम सुपर 8 में 3 में कम से कम 2 मुकाबला भी जीत लेती है तो वह सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। लेकिन सबसे बुरी खबर यह है कि भारत के सुपर 8 के 3 मुकाबले पर बारिश का साया बना हुआ है। अगर 3 मुकाबले में बारिश होती है तो फिर भारत की टीम सेमीफाइनल में कैसे पहुंचेगी, क्या सुपर 8 के मुकाबले के लिए रिजर्व डे रखा गया है या नहीं, किसी भी मुकाबले में अगर बारिश होती है तो फिर अंक का बंटवारा कैसे होगा और बारिश से भारत को कितना नुकसान हो सकता है, आज इन्हीं बातों की चर्चा हम यहाँ करने आए हैं। आज भारत का सुपर 8 का पहला मुकाबला अफगानिस्तान के खिलाफ है। यह मुकाबला बारबाडोस में खेला जाएगा और इस मैच को लेकर भी बारिश की संभावना है। भारत 22 जून को सुपर 8 का अपना दूसरा मुकाबला बांग्लादेश के खिलाफ एंटीगुआ में खेलने उतरेगी। वहीं भारतीय क्रिकेट टीम सुपर 8 का अपना तीसरा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेंट लुसिया में खेलने उतरेगी। सेंट लुसिया और एंटीगुआ में भी बारिश की संभावना है। लेकिन अगर भारत के सुपर 8 के पहले और दूसरे मुकाबले में बारिश होती है तो भारत को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि आज भारत का अफगानिस्तान के खिलाफ मुकाबला है और अफगानिस्तान की टीम भारत के खिलाफ अभी तक टी20 के इतिहास में एक भी मुकाबला नहीं जीत पाई है। यानी आज पूरी संभावना है कि भारत अफगानिस्तान को हरा दे। लेकिन आज के लिए कोई रिजर्व डे नहीं है, इसलिए अगर आज के मैच में बारिश होती है और आज का मुकाबला रद्द होता है तो दोनों टीम को एक एक अंक मिलेगा, जिससे भारत को नुकसान हो सकता है। वहीं भारत और बांग्लादेश के बीच 22 जून को मुकाबला एंटीगुआ में खेला जाएगा और इस मैच पर भी बारिश का साया है। अगर यह मुकाबला भी बारिश के कारण रद्द होता है तो इस मैच के लिए भी कोई रिजर्व डे नहीं है और इस मैच में भी भारत और बांग्लादेश को एक एक अंक बांटना पड़ेगा, जबकि बांग्लादेश के खिलाफ भी भारत का इस फॉर्मेट में रिकॉर्ड शानदार है। अभी तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बांग्लादेश की टीम सिर्फ एक बार ही भारत को हरा पाई है। तो यहाँ भारत की टीम अपने सुपर 8 के दूसरे मुकाबले में भी बांग्लादेश को हराने की पूरी क्षमता रखती है। यानी भारत की टीम अफगानिस्तान और बांग्लादेश को पूरी तरह हराने में सक्षम है और इन दोनों को अगर भारत की टीम हरा देती है तो भारत के पास 4 अंक हो जाएंगे और भारत की टीम बड़ी ही आसानी के साथ सेमीफाइनल में प्रवेश कर जाएगी। लेकिन अगर इन दोनों मैच में बारिश होती है और दोनों मैच का परिणाम नहीं निकलता है और दोनों मैच में भारत को एक एक अंक मिलता है तो फिर भारत को हर हाल में ऑस्ट्रेलिया को हराना होगा और ऑस्ट्रेलिया से हम आप सभी जानते हैं कि भारत को तगड़ी टक्कर मिलने की संभावना है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया और भारत के मैच में भी बारिश की संभावना जताई गई है, इसलिए हम भारतीय ये दुआ करते हैं कि अफगानिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ भारत के मैच में कम से कम बारिश ना हो।